गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रणाम। सेकंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा की पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट से आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह, ठीक है। तो मैंने इसीलिए नाउन से स्टार्ट किया था, फिर हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रणाम, ठीक। तो इसलिए प्रणाउन का लेकर आप कन्फ्यूज हो, तो ये का लिखा है थर्ड चैप्टर में और सेकेंड बोल रही हूँ कि आप क्यों, क्योंकि सस्पेंडली इसलिए चल रहे हैं बेटा कि सबसे पहले नाउन समझ लिया हमने, अब हम प्रणाउन समझते हैं। अब प्रणाउन क्या है लगेगा। तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि आयुष का बॉय, हम आयुष के लिए सेकंड टाइम ही यूज कर लिया, हमने सीता जी के सेकंड टाइम का यूज किया शी, तो आयुष और सीता जी के ही और शी का यूज किया। सो दिस वर्ड इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, क्यों, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, दीस वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी आयुष और सीता की जगह हमने क्या यूज किया, ही फॉर आयुष, शी फॉर सीता। तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रोनाउन क्या लेते हैं, वो आपके कहलाते हैं प्रणाम, ठीक। इन वाक्यों में हमारा ही शी क्या है, आपका प्रणाम। फिर हम प्रणाम समझ लिया, हम समझते हैं काइंड्स ऑफ प्रणाम, ठीक, काइंड्स ऑफ प्रणाम। वैसे तो बेटा प्रणाम के काइंड्स आठ होते हैं, ठीक है, देयर आर एट काइंड्स ऑफ प्रणाम, लेकिन आज हम कुछ समझेंगे, फिर कुछ नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। तो फर्स्ट हम लेते हैं काइंड आपका पर्सनल प्रणाम, क्या लेते हैं आपका पर्सनल प्रणाम, इट मीन्स इन हिंदी
बात करेंगे कि दूसरा 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 पर्सन चाहिए ना, तो उस दूसरे पर्सन को हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। ठीक, अब दो दो पर्सन मिल गए, फर्स्ट पर्सन मिला, सेकंड पर्सन मिला, अब दोनों को बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, अब वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उसको देखो, उस लड़के को देखो, वो देखो लड़का क्या कर रहा है, वो देखो लड़की क्या कर रही है, या वो देखो एनिमल क्या कर रहे हैं, कुछ भी तीसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन के बारे में बात करने लगते हैं, तो वो कहलाता है आपका थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसमें हमारा आता है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे यूज किए जाते हैं किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, या फिर किसी जंतु या जीव के लिए, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट पर्सन इसमें काइंड में आप खुद आप अपने लिए क्या यूज करते हो, आई वी मी, है ना। और सेकेंड पर्सन मीन्स दूसरा, दूसरा तो उसके लिए हम यूज करते हैं तुम, तुम्हारा, इंग्लिश में इसे कॉल्ड आई यू, योर्स। फिर आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, वह, वो देखो क्या है, या वो देखो हमारा की लड़की क्या है, तो उसके लिए हम ही, शी, दे, इट का यूज करते हैं। तो अब हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग से पढ़ेंगे, अभी हमने खुद एक्सप्लेन किया, अब आपकी बुक के हिसाब से आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, जब वक्ता अपने बारे में बोलता है तो वह फर्स्ट पर्सन होता है। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि जब जब कोई भी बोलने वाला अपने बारे में बात करता है, ठीक है, जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ आई एम टीचर, ठीक है, कि मैं अध्यापक हूँ या अध्यापिका हूँ, तो उस लिए हम क्या यूज करें, हमने अपने लिए नाम के लिए आई यूज किया, आई इज अ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब अस मीन्स हमारा, अस मीन्स बी हमारा ही होता है, वो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, मी भी ऑब्जेक्ट के रूप में, मुझे आता है, बी मीन्स हमें, माइनस मेरा है मेरी, माइनस मेरी लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, यानी कि अस मी माई, ये आपके ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अगर मैंने आपको पहले समझाया है तो आई थिंक समझ जाएंगे आप। फिर हम लेते हैं आपका सेकंड पर्सन, और अगर मान लीजिए आई का एग्जाम्पल, जो कोई एग्जाम्पल है माई बुक इज, दिस इज माई बुक, या फिर अभी आपको ले लें माई मदर नेम इज, तो माई मेरी माँ का नाम, ठीक है, तो ये आपका आई, आई लिविंग लखनऊ, मैं लखनऊ में रहती हूँ या रहता हूँ, तो ये सारे वर्ड्स आपके आते हैं फर्स्ट पर्सन। फिर हम आप बोल लेते हैं सेकंड पर्सन, जब वक्ता सामने वाले व्यक्ति से बातें करता है तो वह सामने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू या यू, यानी कि जब आप किसी दूसरे से बात करने लगते हैं, है ना, आप खुद अपने बारे में बात करें तो फर्स्ट पर्सन हो गए, जब आप किसी दूसरे से बात करें तो वो सेकंड पर्सन हो गया। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है आपका, यू या यू, जैसे मैं आपसे पूछ रही ना कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो योर इज अ सेकंड नंबर सेकंड पर्सन। फिर यू आर डांसर, तुम क्या नर्तक हो या नाचते हो, तो क्या है आपका यू और योर का यूज जहाँ होता है नाम की जगह, वो आपका कहलाता है सेकंड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फिर थर्ड पर्सन, जब वक्ता अन्य व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बातें करता है तो वह अन्य व्यक्ति थर्ड पर्सन होता है, जैसे ही, हिज, देयर, इट्स, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, आई। मींस जब हम दो पर्सन किसी तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ थर्ड पर्सन, अदरवाइज इन हिंदी इज कॉल्ड अ अन्य पुरुष, दूसरी भाषा में, हिंदी भाषा में हम उसको बोलते हैं तीसरा व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि इसके लिए हम यूज करते हैं ही, शी, हिज, शी इज अ, शी इज अ गुड डांसर, ही इज अ गुड बॉय, एंड इट इज अ, इट इज अ मैन, एंड शी, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वो इसमें गार्डन में खेल रहे हैं। तो ये तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो वो कहलाता है आपका थर्ड पर्सन। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन, आपको ये आपका काइंड आपको समझ में आया होगा। फिर हम लेते हैं आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है बेटा जब हम कोई काम करते हैं और बताते हैं कि हमने खुद किया है, उसको हम बताते हैं कि हमने खुद किया है, और उस जो कार्य किया होता है, जो वर्क किया होता है, वो उसका कार्य का प्रभाव जो है वो आपके खुद पर पड़ता है, ठीक। जैसे कि द यू द सम वर्क यू हैव डन इज रिफ्लेक्टिंग योर सेल्फ, जब आपका काम का प्रभाव आपके स्वयं पर पड़ता है तो वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी प्रतिक्षेप शर्मा, जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन के अंत में प्रत्यय के रूप में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाया
एग्जांपल हम आपको ऐसे बता रहे, देखिए जैसे हमने अभी आपको इसके हिसाब से बता रहे चार्ट के अकॉर्डिंग, सिंगल रूप में इटसेल्फ होता है, इट प्लस सेल्फ मींस इटसेल्फ, हर प्लस सेल्फ मींस हर सेल्फ, योर एंड सेल्फ योर सेल्फ, माय एंड सेल्फ माय सेल्फ, प्लूरल में योर सेल्फ्स यो, आवर एंड सेल्फ्स आवर सेल्फ्स, देम एंड सेल्फ्स देम सेल्फ्स। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना काम अपने आप करता है, वह अपना काम अपने आप करता है, उसने अपने लिए जोर दिया कि उसके बारे में हम जो कह रहे हैं कि वह अपना काम अपने आप करे, तो हम उसको यानी ही को एम्फसाइज कर रहे हैं या जोर डाल रहे हैं कि इसने काम ये खुद ही करता है, शी विल मैनेज ऑल द वर्क बाय हरसेल्फ, वो अपना काम अपने आप ही मैनेज करेगी, ठीक है। तो शी के लिए हम यूज करते हैं आपका हरसेल्फ, और अगर बॉय है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ हर चीज हर यूज होता है आपका बॉय के गर्ल के लिए, और हिमसेल्फ यूज होता है आपका जेंडर यानी कि मेल पर्सन के लिए, ठीक है। माई सेल्फ ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, इटसेल्फ नॉन लिमिटिंग थिंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है, योर सेल्फ यानी कि सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक। तो अगर हम इसको लिखें सेल्फ सेकंड थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, हर सेल्फ आपका थर्ड पर्सन है, योर सेल्फ सेकंड पर्सन है, माई सेल्फ क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो यानी कि आई के साथ माई सेल्फ आता है, यू के साथ योर सेल्फ आता है, शी के साथ हर सेल्फ आता है, और इट अगर यूज हुआ है किसी सेंटेंस में तो उसके लिए आप अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज करना है तो उसमें आपके लिए इट सेल्फ आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी अगर योर यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल सेंस में उस कंडीशन में आपका आ रहा है योर सेल्फ, जैसे टीचर्स कहते हैं यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ यानी कि आप अपना काम अपने आप करना है, तो इस कंडीशन में आपका योर सेल्फ लगेगा, ठीक है। ये है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर इसी में इसी से मिलता जुलता एक और आपका काइंड होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन इसको बोलते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम, क्या बोलते हैं इसको दृढ़वाचक सर्वनाम, इसमें थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है रिफ्लेक्सिव फॉर्म इम्फेटिक में, क्योंकि सेम ही वर्ड यूज किए जाते हैं दोनों में, ठीक। बट देखिए आपका डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस इसमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ठीक, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट एंड इम्फेटिक प्रोनाउन यूज आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी कि इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन में जो सेल्फ वाले वर्ड्स है वो हमारे जस्ट सब्जेक्ट के बाद आते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक दिया था ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना काम अपने आप करता है करेगा, ठीक, ही विल डू हिज वर्क बाय हिमसेल्फ यानी कि वो अपना काम अपने आप करेगा, ठीक है, इसलिए उसके द्वारा वह अपना काम अपने द्वारा अपने आप ही करेगा, तो उस कंडीशन में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये इम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है बेटा कि जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड, एक सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका इम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे देखिए जिन शब्दों का प्रयोग किसी सब्जेक्ट के बाद किसी खास तथ्य पर दृढ़ता सूचित करने के लिए किया जाता है तो वह इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रांगली आपके लिए कहा जा रहा है, स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि ये काम या ये चीज ऐसी हुई है या ये चीज इसने ही की है या वो चीज ये वाला काम वर्क मैंने ही किया है। एग्जाम्पल हम जैसे ही लेते हैं, वी आवर सेल्फ डू नॉट रिमेम्बर एनीथिंग ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि जो वी है वी का ऑब्जेक्ट होता है आपका आवर, तो इसके लिए आवर सेल्फ का यूज किया गया है। फिर सेकेंड आपका दे देमसेल्फ लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने स्वयं अपना स्थान छोड़ा, उन्होंने स्वयं अपना स्थान छोड़ा मतलब वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है प्लेस छोड़ने के लिए, किसी ने उनसे इंफेसाइज नहीं किया कि आप छोड़ो, वो जो है उन्हें अपना प्लेस जो है खुद ही छोड़ा। ही हिमसेल्फ ब्रोक द चेयर, उसने चेयर जो है कुर्सी स्वयं तोड़ी, उसने कुर्सी स्वयं तोड़ी, किसने
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो ध्यान से मेरे वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं आपके फोर टाइम बेटा, वो है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन? इनडेफिनेट प्रोनाउन से इंडिकेट हो रहा है देखिए कि ऐसा कुछ प्रोनाउन या ऐसे कुछ शब्द जो कि इनडेफिनेट निश्चित नहीं है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं निश्चित नहीं है। और हिंदी में इसका देखिए मीनिंग भी दिया गया, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्या कहा गया है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम, यानी कि एक ऐसे सर्वनाम जो कि जिसमें कि निश्चित नहीं होता है कि किसके बारे में बात हो रही है पर्टिकुलर, ठीक। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वह इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपको डी ई होगा, ठीक है, अपनी बुक को आपने बुक में निकल लीजिएगा। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन निम्नलिखित है, जैसे समबडी, एवरीबडी, ईच या ऑल। समबडी नॉक्स द डोर या समवन नॉक्स द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसने खटखटाया है ना, वन एनीबडी, फ्यू एवरीवन, एवरीवन प्रेजेंट इन द लाइन, सभी लाइन में प्रेजेंट दिखे तो एवरीवन, कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। फिर नन, मैनी, नोबडी, एनीवन, एनीवन कैन गिव द आंसर, कोई मुझे आंसर देगा, ठीक है, एनीबडी गिव मी द, गिव मी आंसर, तो एनीवन कोई भी, क्लास में किसी को हम बोलते हैं आप कोई भी आंसर दो, उसके लिए हम यूज करते हैं एनीवन। इन सारे वर्ड्स में कोई भी हम ये नहीं क्लियर सर से पर्टिकुलर किसके बारे में बात हो रही है, इसीलिए इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समबडी कोई, एवरीबडी हर, ईच वन प्रत्येक, ऑल में सभी, ईच वन प्रत्येक, प्रत्येक एवरी सभी, अदर दूसरे, सम कुछ या थोड़ा, सम वन, फिर है आपका एनीबडी कोई, फिर मिस कुछ, एवरीवन ऑल में सभी, नन मिस कोई नहीं, मैनी मिस बहुत, नोबडी कोई नहीं, एनीवन मतलब कोई एक। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आप देख रहे हैं, तो इसमें अनिश्चयवाचक इस ऑर्डर इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसमें कोई डिफाइन नहीं हो रहा है कि किसके बारे में पर्टिकुलर बात होगी। फिर हम आपके आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, छोटे से आप भी सीखते आ रहे हो, दिस दैट दीज या दूस, दैट इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ बुक, इट इज अ, दिस इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज अ बुक। क्या इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस बताइए, जब कोई चीज आपकी एक, जैसे ये पॉइंटर है मेरे हाथ में, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है, इसी पॉइंटर को हमने अगर यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे या यहाँ रखा होगा, तो हम बोलेंगे दूर वाली चीज को दैट इज अ पॉइंटर। तो इस कंडीशन में अगर कोई सिंगल एक चीज है और आपके पास है तो वो कहलाएगी दिस इज, और वही एक चीज आपसे दूर हो जाती है तो वो कहलाएगी दैट इज। इसी कंडीशन में अगर बहुत सारी बुक्स आपके पास रखी है तो देयर इज कॉल्ड अ दीज आर बुक्स, वही सारी बुक्स आपके अगर रखी है बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे मैं आपको क्लास में बोलती हूँ ना कि वो बुक्स उठा लाइए बेटा, प्लीज प्लीज ब्रिंग दूस बुक्स, तो आप क्या बोलते हैं, तो दूस का मतलब दूर और दीज का मतलब पास में, तो एक चीज अगर पास में है तो दिस इज, एक चीज अगर कोई दूर है तो दैट इज, वही चीज बहुत सारी जैसे एक ही जैसी चीज है वो आपके पास में है तो आप बोलेंगे दीज आर, वही सारी